गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर अकेडमी गेट एम पी आई एक्सी दिस इज अप्रूफ राव एंड यू आर वॉचिंग इसरो पी वाई क्यूज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एंड वी आर बिफोर टाइम वी हैव स्टार्टेड अर्ली राइट अर्ली टूडे आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया सो बेटा लेट वन नो दैट वी हैव स्टार्टेड सारे ग्रुप्स में बता दीजिए दैट वी आर लाइव okay so let all your friends know that we are live and today will be the last class of isro pyqs of strength of materials i told you guys that this week we are going to have lots of free initiatives this week we are going to solve lots of numericals of strength of materials so we have started isro pyqs and we also started to solve new questions my 10 new questions out of which

तो 2017 से मेरे पास पेपर्स अवेलेबल थे जो मुझे गूगल पे मिले तो वहां से लेकर 2007 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आज कंप्लीट हो जाने वाले हैं ओके तो इसरो पीवाईक्यूज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी हैव कंप्लीटेड वी विल कंप्लीट इसरो पीवाईक्यूज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स ओके बाकी के जो टॉपिक्स हैं यानी कि मैकेनिक्स हो गया सॉरी मशीन डिजाइन हो गया थ्योरी ऑफ मशीन हो गया वाइब्रेशन हो गया वहां से क्वेश्चन इसरो में कम ही आए हैं

If you are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Aproop Rao, All India Rank 320 in Gate Mechanical in first attempt. M.Tech from IIT, Kharagpur. 2 plus years of experience working at Mahindra and Mahindra in their automobile division and more than 7 years of experience teaching for Gate and ESE. My favorite subjects, the subjects that I teach, Strength of Material, Machine Design, Engineering Mechanics and Theory of Machines. If you want to attend my lectures, if you want to watch my lectures, then the... कंप्लीट प्ले लिस्ट इज अवेलेबल ऑन आर यूट्यूब चैनल इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे आपको इन सारे सब्जेक्ट की मेरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी वेर यू कैन वॉच ऑल ओके एंड आई है दिस इज माई अन अकेडमी प्रोफाइल नेम यू कैन सर्च माई प्रोफाइल बाय दिस नेम और बेटा जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द लाइफ चैट एंड यू विल फाइंड माई अन अकेडमी प्रोफाइल फॉलो माई प्रोफाइल बिकॉज वी हैव सोल्ड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन अन अकेडमी हमने अन अकेडमी में बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व किए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाई क्यूज हैं प्रैक्टिस क्लासेस हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं गेट के पीवाई क्यूज हैं तो बेटा आपको ये सारी प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगी मेरी अनअकेडमी की प्रोफाइल पे और अन अकेडमी की क्लासेस आपको पता ही है दैट दे आर वेरी 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 इंटर एक्टिव ओके सो इन ऑर्डर टू अटेंड दीज क्लासेस इन ऑर्डर टू वॉच दीज क्लासेस डाउनलोड दी लर्नर एप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर राइट नाउ आप गूगल के प्ले स्टोर से अन अकेडमी का लर्नर एप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए इस कोड को यूज कर लीजिए जल्दी से ओके एंड बेटा यू विल ऑल्सो अनलॉक अन अकेडमी कॉम्बैक्ट अन अकेडमी कॉम्बैक्ट क्या है इंडिया का सबसे बड़ा क्विज कॉम्पिटिशन है यह एक फ्री मॉक टेस्ट है आपके लिए जहां अगर आप जीतते हैं आपको हंड्रेड परसेंट तक स्कॉलरशिप भी मिलती है so, यानी तो so, बेटा हर सुबह बजे नहा जरूर पार्टिसिपेट कीजिए रजिस्ट्रेशन आर कंप्लीटली फ्री तो रजिस्ट्रेशन फ्री हैं बीस नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे हर संडे और साथ में मिलेगा मौका अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का ओके सो so, बेटा अगर आप आखिरी के छह महीने में अपनी प्रिपरेशन को एक बूस देना चाह रहे हैं बचे हुए अपने जो हैं, वो अपने फेवरेट एजुकेटर्स के थ्रू कंप्लीट करना चाह रहे हैं उनकी प्रैक्टिस क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं तो बेटा जल्दी से आ जाइए प्लस पे तो यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा हर सब्जेक्ट का यानी कि हर सब्जेक्ट के थ्योरी प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाई क्यूज डीपीपीज डाउट सॉल्विंग क्लासेस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको डिटेल्ड कोर्स मिलेगा आपको

सब्सक्रिप्शन uh, प्लान ले सकते हैं सिक्स मंथ से लेके वन ईयर ईयर वन एंड हाफ ईयर तक का बट बेटा राइट नाउ दिस 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 इज इज द द लास्ट लास्ट डे ऑफ ऑफर आज आज आखिरी दिन है आज अगर आप ऑफर लेते हैं तो वन ईयर सब्सक्रिप्शन पे टू मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा साथ में थ्री मंथ एस एस सी एंड जेई मिलेगा सिमिलरली ट्वेंटी फोर ईयर का सब्सक्रिप्शन है लेते हैं तो फोर मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा साथ में सिक्स मंथ्स ऑफ एस एस सी जेई एंड ए का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एस एस सी जेई एंड ए के सब्सक्रिप्शन से आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं तो गेट की प्रिपरेशन साथ में स्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं सो टेक दिस ऑफर बाय एनअमी यू कैन टेक वन ईयर और टू ईयर सब्सक्रिप्शन टूडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर ओके और आप इसको ई में पे कर सकते हैं ईजिली आप मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या बजाज फाइनेंस के कार्ड पे एंड यू कैन यूज योर फेवरेट कोड यून इन ऑर्डर टू गेट परसेंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन के टाइम में आपको गाइड करने के लिए रहूंगा आपके साथ तो बेटा यूज द कोड अप्रूव टेन एंड ज्वाइन प्लस कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेकिन एंड यू कैन ऑल्सो टेक द आइकोनिक सब्सक्रिप्शन जहां आपको एक पर्सनल कोच मिलता है बट बेटा इफ यू कैंट अफोर्ड दिसक द प्लस राइट नाउ यू कैन अप्रेड इट टू लेटर लास्ट टूडे आज ये ऑफर खत्म होने वाला है एंड बेटा आपके पास एक और ऑफर सॉरी दिस ऑफर वॉज ऑन इलेवेंथ ऑफ ऑगस्ट सॉरी 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 सो सॉरी चलिएट स्टार्ट विद आर फर्स्ट लेक्चर आज का पहला सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है

स्ट्रेस डायग्राम इन द क्रॉस सेक्शन सो टेलमी वॉटविल बी देंसर गुड इवनिंग तबरेज गुड इवनिंग भरत मुदित माइकल गुड इवनिंग रूपा गुड इवनिंग विनायक गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो बताइए जल्दी से वॉटविल बी द आंसर लेटमी टेल यू व्हाट इज द कंडीशन हिस्टर यहां पर आपको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कॉलम दिया हुआ है लेट से दिस इज दैट कॉलम Let us say it is fixed at this end and it is subjected to an eccentric load P at a distance E from the centroidal axis. Let us say this is the centroidal axis. So, this axis is E distance. force Okay. So, if I transfer the force at the center, it will be subjected to a force P and a moment P into E. तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन ठीक है मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है देन इस क्रॉस सेक्शन में यू आर गोइंग टू गेट टू स्ट्रेसेस राइट आपको दो स्ट्रेसेस मिलेंगे एक तो आपको मिलेगा एक्सियल स्ट्रेस ओके यू आर गोइंग टू गेट एक्सियल स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस कैसा रहेगा बेटा द एक्सियल स्ट्रेस विल बी कंप्रेसिव सॉरी 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 मैंने यहां पर उल्टा कर दिया फोर्स विल बी कंप्रेसिव राइट फोर्स विल बी कंप्रेसिव सो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस ओके सो बेटा आपको यहां पर क्या मिलने वाला है यू आर गोइंग टू गेट अ कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स समथिंग लाइक दिस ओके

कंप्रेसिव so, वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा और टेंशन वाला पार्ट डिक्रीज हो जाएगा तो बेटा यू यू आर गोइंग गेट दिस द आंसर विल बी डी यस थैंक सो मच ब्रेक ओके तो ब्रेक पे जाने से पहले जितना कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, वो कर लेते हैं. So, नहीं हो सकता अगर सिर्फ एक्सियल फोर्स लग रहा होता एसेंट्रिसिटी नहीं होती तो ए होता

पावर ट्रांसमिटेड बाई ए विल बी हाउ मच ऑफ बी तो बेटा दो शाफ्ट है दोनों सेम मे बने हुए हैं रेडियस ऑफ बी अब यहां पर बाकी कंडीशन दी नहीं हुई है एक्चुअली द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट दे शुड है वैसा कुछ अगर दिया होता तो नहीं बोथ आर सब्जेक्टेड टू तो सेम टॉर्क नहीं ओके 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 तो पावर ट्रांसमिटेड नहीं द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी पूछ रहा है ओके तो बेटा पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी कैन आई से विल डिपेंड द टॉर्क है ना पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू टॉर्क एंड टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा टाव मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिक्सटीन टी बाय पाई डी क्यूब राइट अब आप कितना टाव मैक्सिमम लगा सकते हो दैट विल डिपेंड अपॉन द मटीरियल एंड वी हैव द मटीरियल दोनों के लिए मटीरियल सेम है यानी दोनों पे टाव मैक्सिमम कितना आ सकता है वो फिक्स है तो अगर टाउ मैक्सिमम इज फिक्स आई से टी विल बी प्रपोर्शनल टू डी क्यूब सो पी इज प्रपोर्शनल टू टी एंड टी इज प्रपोर्शनल टू डी क्यूब सो कैन आई से दैट पावर विल बी प्रपोर्शनल टू डी क्यूब यस अब बेटा रेडियस ऑफ शाफ्ट ए इज हाफ ऑफ शाफ्ट बी ठीक है रेडियस जो है वो ए का हाफ है बी से तो कैन आई से दैट पी ऑफ ए बाय पी ऑफ़ बी विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी बाय डी का होल क्यूब सॉरी डी बाय टू टाइम्स ऑफ डी का होल क्यूब सो दिस विल बिकम By times, जिसका डायमीटर ज्यादा उसका पावर ज्यादा तो बी का ज़्यादा है बी का पावर ज्यादा है तो ए का पावर कम होना चाहिए ये हो ही नहीं होगा चलिए सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक बनाया इसरो था यस वेरी गुड तबरेज वेरी गुड चलिए Let's move on to the next question. Again from ISRO 2012. The Mohr circle reduces to a point when the body is subjected to pure shear, uniaxial shear, equal axial stress on two mutually perpendicular planes and the planes being free of shear, equal and opposite axial stress on two mutually perpendicular planes and the planes being free of shear. एक तो ये यूनि एक्सियल शेयर क्या है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है ओके okay, ये तो पता नहीं कुछ और ही दिया हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता यूनि एक्सियल शेयर शेयर इज ऑलवेज बाय एक्सियल ठीक है क्योंकि शेयर विल ऑलवेज बी इन टू डिफरेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर प्लेन्स दोनों हमेशा टाउ जब भी आएगा बाय एक्सियल ही होगा तो यूनि एक्सियल शेयर का तो पता नहीं मीनिंग क्या है प्योर शेयर इक्वल एक्सियल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली पर्पेंडिकुलर प्लेन मतलब आपको ये ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन ए इज प्योर शियर लाइक दिस ऑप्शन सी इज इक्वल एक्सियल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली पर्पेंडिकुलर प्लेन्स एंड द प्लेन बींग फ्री ऑफ शियर मतलब ऐसा कुछ एंड ऑप्शन डी इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सियल स्ट्रेसेज ऑन टू म्यूचुअली पर्पेंडिकुलर प्लेन एंड द प्लेन बींग फ्री ऑफ शियर ओके तो आपको कुछ तीन ऐसी कंडीशन दी हुई है सो इन विच केस द मोर सर्कल विल बी रिड्यूस्ड टू अ पॉइंट तो मोर सर्कल तब पॉइंट बनेगा जब वर्टिकल और हॉरिजोटल प्लेन दोनों का कोर्डिनेट विल बी सेम राइट तो इस केस में वो हो नहीं सकता बिकॉज वर्टिकल का कोऑर्डिनेट होगा जीरो टाउ तो हॉरिजॉन्टल का हो जाएगा जीरो एंड माइनस टाउ यहां पे भी नहीं हो सकता बिकॉज वर्टिकल का कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा जीरो और हॉरिजॉन्टल का हो जाएगा जीरो माइनस सिग्मा यहां पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का कोऑर्डिनेट विल बी सेम सिग्मा जीरो एंड सिग्मा जीरो सो व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द मोर सर्कल यू आर गोइंग टू गेट वन पॉइंट ओनली एंड दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस यस सो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के टाइम में द मोर्स सर्कल विल बिकम अ पॉइंट वेरी गुड यस द आंसर विल बी सी प्योर शेयर के केस में यू गेट अ मोर सर्कल जिसका सेंटर विल बी एट द ओरिजिन हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के केस में द मोर सर्कल विल बी अट चलेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

च इज फिक्सड एट वन एंड एंड हिंज एट द अदर एंड एंड द कॉलम इज रिस्ट्रेन फ्रॉम लैटरल डिस्प्लेसमेंट एट वन थर्ड हाइट तो यहां पर डबल रोलर लगा हुआ है यह क्या है बेटा दिस इज नोन एज अ डबल रोलर जिसको हम लोग हिंज सपोर्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो इसको हम एक हिंज सपोर्ट की तरह ही कंसिडर करते हैं ओके वी कंसिडर दिस एज अ हिंज सपोर्ट ओनली ओके सो नाउ बेटा अंडरस्टैंड दे आर आस्किंग अस व्हाट विल बी द बकलिंग लोड ओके अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव थ्री डिफरेंट सपोर्ट्स हिंज सपोर्ट ज सपोर्ट एंड फिक्सड सपोर्ट तो यहां आपके पास एक्चुअली में दो अलग कॉलम हो गए ओके देर आर टू डिफरेंट कॉलम्स इनको मैं दो अलग कॉलम्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं लेटमी कंसिडर दिस कॉलम नंबर वन एंड लेटमी कंसिडर दिस कॉलम नंबर टू ओके एक कॉलम हो गया ये जिसके दोनों एंडस कैसे हैं बेटा द एंड ऑफ सॉरी बोथ एंड ऑफ दिस कॉलम विल बी हिंस एंड दूसरा कॉलम हो गया ये जिसका एक एंड इज हिंस्ड एंड दूसरा एंड इज फिक्स्ड ओके सो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द बकलिंग लोड सो बकलिंग लोड ऑफ कॉलम नंबर वन वेन यू आर गोइंग टू फाइंड दिस आउट इट विल बी पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय both ends are hinged for column number 1 both ends are hinged so its effective length will be equals to l but when i consider column number 2 then beta one end is fixed and other end is hinged so in this case the buckling load sorry the effective length is l by root 2 दिस इज गोइंग टू बिकम टू पाई स्क्वायर ई आई अच्छा सॉरी 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 यहां पर लेंथ जो है वो एल नहीं है दिस लेंथ इज़ लेवे बाई थ्री राइट ये हो जाएगा नाइन पाई स्क्वायर ई आई बाय फोर एल स्क्वायर ठीक है सॉरी मैंने लेंथ एल ले ली थी लेंथ इज टूएल्व बाई थ्री ओके अब इसकी लेंथ होगी एल बाय रूट टू बट योर लेंथ इज एल बाय थ्री तो ये हो जाएगा एल बाय थ्री रूट टू ओके तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो देन दिस विल बिकम नाइन इंटू टू एटीन तो एटीन पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर सो फ्रॉम कॉलम नंबर वन ंग टू गेट दिस बकलिंग लोड मतलब इतने पार्ट को बकल करना है तो इतना लोड लगाना पड़ेगा एंड इतने पार्ट को बकल करना है तो इतना लोड लगाना पड़ेगा अब इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर बकल हो गया इफ एनी वन ऑफ दीज टू पार्ट बकल्स देन द कॉलम इज गोइंग टू फेल ऐसा नहीं है कि जब दोनों बकल होंगे तभी एक कॉलम फेल होगा इनमें से एक भी पार्ट बकल हो गया तो कॉलम इज गोइंग टू फेल तो बेटा इस केस में इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्रिटिकल इट विल बी मिनिमम ऑफ पी वन एंड पी टू दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका पी क्रिटिकल बन जाएगा क्योंकि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो इस कॉलम को पहले फेल कर देगा अगर P1 कम है तो फर्स्ट वाला कॉलम बकल होके फेल हो जाएगा अगर P2 कम है तो सेकेंड वाला कॉलम बकल होके फेल हो जाएगा दोनों में से एक भी कॉलम बकर दोनों में से एक भी पार्ट अगर बकल हो गया मतलब आपका कॉलम फेल हो गया तो P1, P2 दोनों में से मिनिमम कौन सा P1, वन सो इट विल बी नाइन पाई स्क्वायर ई आई बाय फोर एल स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड यू जहां आपको तीन अलग सपोर्ट दिए हुए हैं दे हैव गिवन यू थ्री डिफरेंट सपोर्ट्स तो ऐसे केस में करना क्या होगा आपको इसको दो अलग अलग कॉलम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया दोनों का अलग अलग पी क्रिटिकल कैलकुलेट कर लो अकॉर्डिंग टू देयर एंड कंडीशन जैसे इसका एंड कंडीशन हो गया हिंज हिंज एंड सेकेंड वाले का हो गया हिंज फिक्सड ठीक है तो दोनों से अलग अलग आप पी क्रिटिकल कैलकुलेट कर लो एंड विल बी मिनिमम विल बी योर पी क्रिटिकल ओके यस वेरी गुड सो द आंसर विल बी नाइन पाई स्क्वायर ई आई बाय फोर एल स्क्वायर ठीक है सो so ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कॉलम का ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

ंगस मॉड्यूल इज टू इन टू ट्वेंटी पर फाइव एंड पॉइजन रेशियो इज पॉइंट थ्री ओके तो यहां आपको मॉड्य निकालनी है आपको ई e की वैल्यू दी हुई है न्यू की वैल्यू दी हुई है आपको हंड्रेड एम एम डायामीटर दिया है फाइव हंड्रेड एम एम लेंथ दिया हुआ है एंड फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है थाउजेंड किलोमीटर ओके अब यहां पर क्वेश्चन में इतना कुछ डेटा दिया हुआ है जो कि बिल्कुल यूज नहीं होने वाला है यू डोंट नीड दिस डेटा आपको इस डेटा की जरूरत नहीं है यू डोंट नीड दिस डेटा यू डोंट नीड दिस क्यों बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू फाइंड मॉड्यूलर ऑफ रिजिडिटी आई कैन यूज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू राइट आपको सिर्फ ई की वैल्यू चाहिए और न्यू की वैल्यू चाहिए आपको यहां पर इसकी वैल्यू तो चाहिए ही नहीं ओके okay? So बेटा आई एम गोइंग टू यूज डायरेक्टली द रिलेशन ऑफ ई जी एंड न्यू एंड आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी यस तो आपके पास रिलेशन क्या है ई इज टू न्यू अब यहां पे देखो ई e को 10 टू पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में रख दूंगा मैं मतलब ई e को यहां 2 रख दूंगा मैं तो so जी जो आएगा उसमें 10 टू पावर 5 कर लेना ठीक है न्यू इज इक्वस टू पॉइंट थ्री तो यह टू और टू गया तो आई एम गोइंग टू गेट जी जी इंटू वन पॉइंट थ्री ठीक है तो जी विल बी इक्वस टू वन अपॉन वन पॉइंट थ्री तो कितना आएगा वन अपॉन वन पॉइंट थ्री इट इज गोइंग टू बी लगभग लगभग दस बटे तेरह कितना होता है पॉइंट सेवन सिक्स नाइन टू पॉइंट सेवन सिक्स नाइन टू इंटू टेन टू दावर फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर ठीक है तो यहां पे आपको जो बाकी का डेटा दिया हुआ है ना द अदर वैल्यूज दैट आर गिवन दे आर जस्ट टू कंफ्यूज यू ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप उलझ के रह जाओ इसमें यहां पे पी की वैल्यू क्या क्यों दी हुई है लेंथ क्यों दिया हुआ है डायमीटर क्यों दिया हुआ है क्या निकालना है तो कंफ्यूज करने के लिए दे आर जस्ट गिविंग यू गार्बेज डेटा इस टाइप का डेटा जो होता है ना विच इज नॉट यूज इन द क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा डेटा होता है दिस इज नोन एज सुपर फ्लूस डेटा सुपर फ्लूस डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो अपने काम का नहीं है क्वेश्चन बनाने में इसकी जरूरत नहीं है दिस इज एन एक्सेसिव डेटा आपको सिर्फ ये दो वैल्यू चाहिए थी इफ दे गिव यू दीज टू वैल्यूज ना ई वैल्यू एंड न्यू वैल्यू देन यू कैन सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ जी यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के यू डोंट नीड द लेंथ द डायमी एंड द फोर्स यस यस चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इसरो 2011 फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस शोन इन द अबव फिगर टिंग ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर इन जिस प्लेन में मैक्सिम शियर है उस प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है ओके एंड देव गिवन यू दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस हंड्रेड मेगा पासकल एंड माइनस फिफ्टी मेगा पासक वर्टिकल प्लेन लेट से एंड दिस इज दॉरिजोंटल प्लेन सो शेल वी ड्रॉ द मोर सर्कल इसका मोर सर्कल बना ले तो वर्टिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा वर्टिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हो गए हंड्रेड एंड जीरो प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए माइनस फिफ्टी एंड जीरो ड्रॉ द मोस्ट सर्कल लेट्स से दिस इज सिग्मा दिस इज टाउ ओके तो वर्टिकल प्लेन विल बी समवे वर्टिकल प्लेन जो है यहां कहीं आ जाएगा हंड्रेड जीरो एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी समवे ठीक है तो इसको मैं लिख देता हूं हंड्रेड एंड इसको मैं मार्क कर देता हूं माइनस फिफ्टी सो दिस इज गोइंग टू बी माय मोर सर्कल यस yes. ये बन गया मेरा मोस्ट सर्कल नाउ वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम शेयर आपको मैक्सिमम शेयर कहां मिलेगा इस प्लेन पर मिलेगा मैक्सिमम शेयर यहां टॉप पर यहां सेंटर पे वैल्यू क्या आएगी दिस विल बी 150 सॉरी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर राइट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू कितना होगा ये 25 होगा ओके okay. तो जहां टाउ मैक्सिमम आ रहा है उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस इज गोइंग टू तो बी 25 फाइव मेगा पासकल एंड इट इज गोइंग टू तो बी इन टेंशन टाउ मैक्सिमम यहां पर भी आएगा टाउ मैक्सिमम यहां पर भी आएगा तो इन दोनों प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा बेटा 25 फाइव मेगा पासकल यस yes. ट्वेंटी फेव फाइव मेगा पासकल टेंशन द आंसर विल बी ए ट्वेंटी फाइव मेगा पासकल टेंशन यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सेवेंटी फाइव मेगा पासकल नहीं होगा बेटा इट इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फाइव मेगा पासकल सेंटर पे कोऑर्डिनेट क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू तो ये हंड्रेड ये माइनस फिफ्टी दिस इज गिवन माइनस फिफ्टी ठीक है इसको फिफ्टी लेके मत बना लेना अगर ये फिफ्टी होता तो आंसर होता सेवेंटी फाइव

मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस इज फोर टाइम्स द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस बिगेस्ट होल दैट कैन बी पंस्ड इन द्लेट वुड बी ऑफ डायामी अब यह काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह काफी इंटरेस्टिंग बेटर दे आर नॉट आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मैक्सिम शेयर स्ट्रेस दे आर आस्किंग वट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो ठीक है तो बेटा यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है विद पंच फॉर विच मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस इज फोर टाइम्स द मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस बिगेस्ट होल दैट कैन बी पंस्ड इन द प्लेट वुड बी ऑफ डायामीटर इक्वल टू नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेट मी टेल यू ये ईएससी में भी आ चुका है इनफैक्ट ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो इस क्वेश्चन का पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि आपके पास एक प्लेट है ठीक है जिसको हम पंच कर रहे हैं पंच करना मतलब होल करने के लिए इसके ऊपर इस तरीके से एक पंच से हिट कर रहे हैं। ओके, ये पंच है इससे हम इसको हिट करेंगे ओके तो जब ये हिट करेगा तो इस प्लेट के ऊपर दो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे ओके वेन इट इज गोइंग टू हिट द प्लेट जब ये पंच इसको हिट करेगा तो इस प्लेट के ऊपर दो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे कौन कौन से स्ट्रेसेस एक तो इसके ऊपर लगेगा शियर स्ट्रेस जब ये पंच इसको हिट करेगा तो यहां पे होल कैसे होगा वेन दिस पंच इज गोइंग टू हिट दिस प्लेट तो ये होल कैसे होगा बेटा यहां से और यहां से यह इसको शियर में ब्रेक करेगा देन यू विल गेट द होल तो एक तो इसमें शियर स्ट्रेस लगेगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी विल बी इक्वल्स टू लेट दिस फोर्स बी पी तो टाव विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन सॉरी पी अपॉन व्हाट विल बी दिस सरफेस एरिया ये जो सरफेस कटेगा ये एरिया क्या होगा पाई डी टी राइट लेट दिस थिकनेस बी टी है ना तो दिस एरिया व्हिच इज गोइंग टू शियर जिसपे शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा टाउ विल बी इक्वल टू तो पी अपॉन पाई डी टी दूसरा जब ये पंच इसको हिट करेगा प्लेट को देन दिस प्लेट विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव स्ट्रेस राइट इतना जो एरिया है जितने में ये इस पंच ये पंच इसको हिट करने वाला है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लगेगा सिग्मा सी विल बी इक्वल टू वॉट तो पी अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर

पंच इसके ऊपर अप्लाई करेगा ओके okay? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस मीन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज फोर इज श्रेस टाइम्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ तो सिग्मा सी कितना दिया है पी अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर दिस इज फोर टाइम्स दिअर स्ट्रेस टाउ यानी पी अपॉन पाई डी टी ठीक है तो बेटा ये फोर और ये फोर तो कैंसल हो जाएगा दिस पी एंड दिस पी विल बी बी दिस एंड विल ये एक डी भी कैंसिल तो so यहां से आई एम गोइंग टू गेट टी इक्वल टू डी यस आर यू गेटिंग दिस टी इक्वल टू डी सो द बिगेस्ट होल दैट कैन बी पंज इन द प्लेट वुड बी इक्वल टू

ये क्रश नहीं होना चाहिए ये पहले शियर होना चाहिए ठीक है अगर ये क्रश हो गया तो फिर प्लेट जो है उसमें होल नहीं होगा इतना जो पार्ट है वो ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो आपको शियर करना है इसको पहले क्रश करने से पहले ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम इसरो 2009 अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसरो 2011 से सीधे इसरो 2009 तो बेटा मैं आपको बता दूं पहली बात तो इसरो में ये जो सब्जेक्ट्स का वेटेज है ये बहुत चेंज होता रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के किसी किसी साल जो है दस से बारह क्वेश्चन आए हैं इसरो में और किसी साल मात्र दो से तीन क्वेश्चन आए फॉर एग्जांपल इसरो 2014 की बात है उस साल इसरो 2014 एंड शायद 13 भी उस साल बहुत सारे क्वेश्चन आए दस से बारह क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल और इसरो 2010 में देवर ओनली टू थ्री क्वेश्चंस एंड वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ऐसे क्वेश्चन एकदम एक सिंगल लाइन के आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन तो उसको मेरे को सॉल्व कराने की जरूरत तो है नहीं तो इसीलिए 2010 से आपको कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सीधे 2011 के बाद 2009 है और फिर अब आगे भी आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि हर साल दो तीन क्वेश्चन ही आए हैं टू में 8 में 7 में 10 में दो तीन क्वेश्चन ही आए हैं और उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने चालू हो गए स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल से और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने चालू हो गए ठीक है एन ओवरहैंगी सी ऑफ लेंथ फोर मीटर इज सपोर्टेड एट ए एंड बी थ्री मीटर अपार्ट इट इज लोडेड विद यूडीएल ऑफ फाइव किलो न्यूटन पर मीटर अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड पी सच दैट रियक्शन एट ए एंड बी आर इक्वल एंड अपोजिट तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक ओवर हैंग बीम है जिसमें एक यूडीएल लग रहा है और एक फोर्स पी लग रहा है ओके यूडीएल डाउनवर्ड है ना दे आर आस्किंग वट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द रियक्शन एट ए एंड बी आर इक्वल तो मैं क्या करता हूं इन दोनों रिएक्शन को इक्वल ले लेता हूँ लेटमी कंसिडर देम आर एंड आर इन दोनों को आर लिख देता हूं ठीक है अब बेटा आपको यहां पे दो अनोन मिल रहे हैं यू हैव आर एंड यू हैव पी और आपके पास दो इक्वेशन भी हैं तो पहले तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो से आपको क्या मिल जाने वाला है टू आर प्लस पी विल इक्वल टू फाइव इंटू फोर यानी कि आर विल बी इक्वल टू हाउ मच आर विल बी इक्वस टू टेन माइनस पी टू यस आर विल बी इक्वस टू टेन माइनस पी बाई टू

प्लस पी इंटू फोर इक्वल टू फाइव इंटू फोर दिस विल बी द लोड ऑफ यूडीएल यूडीएल का लोड कितना हो जाएगा एंड डिस्टेंस आई विल टेक फ्रॉम द सेंटर सेंटर तो से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा टू मीटर ठीक है तो ये इक्वेशन बन गई अब इस इक्वेशन में यू हैव टू अनोन्स बट आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ पी सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ पी मैं आर की वैल्यू पी के टर्म्स में रख दूंगा टेन माइनस पी बाय टू इंटू थ्री प्लस फोर पी इक्वस टू ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी तो दिस विल बिकम थर्टी माइनस फोर पी इक्वस टू फोर्टी तो फोर पी माइनस वन पॉइंट फाइव पी कितना हो गया फोर पी माइनस वन पॉइंट फाइव पी हो गया टू पॉइंट फाइव पी टू फोर्टी माइनस थर्टी हो गया टेन तो so, P will be equals to 10 by 2.5, which will be equals to 4. 4 kilonewton. P will be equals to 4 kilonewton. So if P is equal, अच्छा P की value 4 kilonewton है ही नहीं. ऐसे कैसे? कहाँ गड़बड़ हुई है? Where have we made the mistake? इक्वल एंड ऑपोजिट ओके सॉरी 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 क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ने का यही नुकसान है इक्वल एंड ऑपोजिट बोल रहा है तो एक को अगर मैं आर ले रहा हूं तो दूसरे को आई शुड टेक माइनस आर ओके एक को अगर मैं आर ले रहा हूं तो दूसरे को आई शुड टेक माइनस आर तो उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है ठीक है इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये तो समेशन ऑफ एफ वाईक्वस टू जीरो से ही आ जाएगा पी विल्वस टू ट्वेंटी तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है अच्छा चलिए तो हम लोगों ने यहां दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक्चुअली इफ दे आर इक्वल तो पी शुड बी फोर किलो न्यूटन बट इफ दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट तब तो पी विल बी इक्वस टू वॉट

इतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के हैं तो हम लोगों ने इसरो पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एंड इसरो पीवाईक्यूज़ वी हैव ऑल्सो सॉल्व ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल ओके बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उससे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं तो उसके लिए अलग से क्लास बनाने का मतलब नहीं है मशीन डिजाइन यू हैव बेयरली क्वेश्चन ओके बेयरली आज तक मुश्किल से गिन के पंद्रह बीस क्वेश्चन भी नहीं आए होंगे एंड दे आर वेरी इजी फिर थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन से भी दे आर वेरी वेरी लेस क्वेश्चन आए हैं तो क्वेश्चन पेपर जितना भी मैंने इसरो का स्टडी किया है वहां से मुझे यही समझ में आया ई एम और सोम का अच्छा खासा वेटेज है पहले सॉम का इतना वेटेज नहीं था आप देख सकते हो 2009 में एक ही क्वेश्चन ढंग का था फिर 2010 में तो एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं था दो तीन ही क्वेश्चन थे उसके बाद से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने चालू हो गए तो रिसेंट टाइम का अगर मैं आपको बताऊं तो इसरो में सोम से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं और ई से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा इसरो में सबसे ज्यादा वेटेज होता है हीट ट्रांसफर का हीट ट्रांसफर से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसरो में ठीक है इनफैक्ट इसरो में ही नहीं बार्क में भी अगर आप देखोगे ना देन देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम हीट ट्रांसफर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल इसरो और बार्क का क्वेश्चन पेपर जो है ना वो काफी कुछ सिमिलर होता है

एम एंड सॉम पे करो ओके देन हीट ट्रांसफर पे करो ये तो बाकी के फिर अगर अब बाकी के सब्जेक्ट हो गए मैथ्स का भी काफी अच्छा खासा वेटेज है एंड एप्टीट्यूड के भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसरो में ठीक है सो बेटा इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस लेक्चर टूडे एट सेवन थर्टी पी एम तो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के कुछ चैलेंजिंग और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आज साढ़े सात बजे की क्लास में आ जाना बेटा माई टेन न्यू प्रॉब्लम में से आधे प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में किए थे बाकी के आधे आज करने वाले हैं और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है लेक्चर्स okay? देखने हैं आई हैव कंप्लीट हैिस्ट ऑफ ई एम सॉम एंड एम डी टॉम एंड वाइब्रेशन जो है वो भी जल्दी आने वाला है इनफैक्ट वाइब्रेशन स्टार क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से वाइब्रेशन की क्लासेस फुलू होने वाली है यूट्यूब पेवन थर्टी पी एम ओके बेटा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से डेली सेवन थर्टी पी एम मंडे टू सैटरडे सेवन थर्टी पी एम बी लाइव ऑन दिस चैनल ओनली आई विल टीच दर वाइब्रेशन और ये क्लासेस कौन कौन अटेंड कर सकता है स्टूडेंट्स फ्रॉम एम ई सीई एक्सी पी आई ये सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है क्योंकि सीई एंड एक्ससी में भी वाइब्रेशन के कुछ टॉपिक्स हैं मैकेनिकल और पी आई में तो कंप्लीट है बट सीई एंड एक्ससी में भी आपको वाइब्रेशन पढ़ना रहता है ठीक है पी आई में है कि नहीं मुझे याद नहीं ध्यान नहीं है तो पी आई में कट कर, 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 कर देता हूं बट सीई और एक्सी में यू हैव अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम तो शुरू के जो पांच छह लेक्चर होंगे ना अनडैमड फ्री वाइब्रेशन के ऊपर दो बी यूजफुल फॉर सीई एंड एक्सी स्टूडेंट्स ऑल्सो बाकी एंटायर क्लास विल बी यूजफुल फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट ओके चले एंड बेटा इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस माई अपकमिंग क्लासेस मेरी आने वाली क्लासेस मिस नहीं करना चाहते देन यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ओपन द टेलीग्राम एप सर्च अप्रूप टेन एंड ज्वाइन चैनल और यू कैन स्कैन दिस क्यू आर कोड एंड चैनलर अपडेट एंड लिंक ऑफ माई अपकमिंग क्लासेस ओके एंड इफ यू आर थिंकिंग की लास्ट के छह महीने में बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं या अभी अभी प्रिपरेशन चालू की है तो जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट निपटाने हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स के क्लासेस अवेलेबल है यहां आपको एक जगह सारा कुछ मिल जाएगा यू विल फाइंड ऑल द थ्योरी लेक्चर्स यू विल फाइंड द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट्स यू विल फाइंड द असाइनमेंट्स क्विज क्विजेस टेस्ट सीरीज आपको पूरा सब्जेक्ट का जो भी रिसोर्स चाहिए वो सब कुछ यहां मिल जाएगा एंड दैट टू फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज तो इंडिया के सारी टॉप फैकल्टीज अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे है आपको अगर इनसे पढ़ना है तो अन अकेडमी प्लस पे आ जाइए यू विल गेट क्लासरूम एनवायरमेंट विल गेट डाउटिंग सेशंस पर्सनल गाइडेंस विल गेट नोट्स आफ्टर एवरी क्लास गेटर क्वेश्चन बेटा यू कैन अवेल दिस ऑफर दिस इज द लास्ट डे फॉर दिस ऑफर आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है इस ऑफर के लिए वन ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको टू मंथस का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है गेट एंड ई का एंड थ्री मंथस का एस एस एंड ए का मिल रहा है सिमिलरली टूर सब्सक्रप्शन पे यूल है के सब्सक्रिप्शन को कैसे यूज कर सकते हो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है ना उनके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो वहां यूज कर पाओगे तो गेट के अलावा आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेगा ठीक है सो यू कैन सेव अप टू फोर्टी थ्री परसेंट तो आपको अगर ये ऑफर लेना है आज लास्ट डे है वन ईयर या टू ईयर का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप ई में पे कर सकते हो इस फी को सेवनटीन सेवेंटी रुपीज पर मंथ और ट्वेंटी फोर थर्टी फोर रुपीज पर मंथ विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बिना किसी इंटरेस्ट के आप इसको ई एम आई में पे कर सकते हो एंड आप अपना फेवरेट कोड लगा सकते हो अप्रूव टेन इन ऑर्डर टू गेट टेन परसेंट ऑफ दस परसेंट ऑफ तो मिलेगा साथ में क्या मिलेगा साथ में मैं मिलूंगा मेरा गाइडेंस मिलेगा आई विल बी योर गाइड योर बडी योर मेंटर योर फ्रेंड आई विल बी देयर विथ यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैं आपके साथ रहूंगा आपको गाइड करने के लिए टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आपको एक पर्सनल कोच चाहिए ठीक है ना बेटा इफ यू फाइंड एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन आर लेक्चर्स प्लीज लेटर्स नो सो दैट आई कैन इंप्रूव एंड बेटा जाने से पहले हिट द लाइक बटन शेयर द लिंक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं मिलता हूं आप लोगों को साढ़े सात बजे विथ माई टेन न्यू क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल टिल देन बाय बाय टेक केयर गुड नाइट